हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज के एक और ट्रैवल व्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दिल्ली से जयपुर। अभी मैं यहाँ से कश्मीरी गेट जा रहा हूँ, जो भी मेरी बेस लोकेशन है वहाँ से, और कश्मीरी गेट से आपको बस मिल जाएगी। फेयर प्राइजेज 250 रुपये बताया गया है। बाकी एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ लोकेशन भी पहुँचने के बाद, बस स्टैंड भी पहुँचने के बाद। गेट नंबर 7 से आप एग्जिट करेंगे, कश्मीरी गेट बस स्टैंड सामने ही है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे, बस स्टैंड पे जाकर पूछेंगे कि जयपुर के लिए बस कहाँ से मिलेगी। बाकी आप देखते रहे, मैं जा रहा हूँ तो मैं बताऊँगा। प्राइस भी पता करेंगे टिकट के, क्या फेयर है और क्या क्या टाइमिंग्स पे मिलती है, ये भी चेक करेंगे। तो अभी हमने एक जगह स्टे करा है, मतलब बस रुकी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा चेंजेस है कोविड की वजह से। चेंजेस ये है कि कश्मीरी गेट बस स्टैंड से बस तो मिल रही है जयपुर की, लेकिन सिर्फ AC बस है, जिसका किराया मैंने आपको बताया था 600-700-900 रुपये। गवर्नमेंट बसेस का 900 तक है, और अलग अलग चार्जेस है, मतलब 600-900 रुपये के आसपास का किराया है। अभी हमने बस जो ली थी, ये हमने ली थी सरायकाले खां बस स्टैंड से, दिल्ली में ही है, और 10-15 रुपये लगते हैं। आप वहाँ पहुँच सकते हैं बस लेके, अगर आप आ रहे हैं तो। अभी जो है सरायकाले खां से आपको नॉर्मल बस मिलनी है, ये जो सामने खड़ी है। पिछली बार मैं आया था यहाँ पे तो एक कांड हुआ था। कांड ये हुआ था कि जब आप पराठे ऑर्डर करते हो तो पराठे 20 रुपये के रहते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपने गलती से रायता ले लिया तो 80 रुपये का हो जाता है। अगर आप प्राइस पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, तो और वो बढ़ा देंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तकरीबन 2 बजे बस चली थी और 9 बज गए हैं। अभी भी 3 से 4 किलोमीटर रह गया सिंधी काम बस स्टैंड, जो कि मेन बस स्टैंड है जब दिल्ली से बस चलती है जयपुर के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस में यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ये देखो जी, तब से जब से बस चली है, ये जो बस कंडक्टर साहब हैं और बस ड्राइवर साहब हैं, थोड़े से दिमाग से मुझे लग रहा है हिले हुए हैं। इनकी यही चल रही है, हर किसी से उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और राजस्थान टूरिज्म को ये वीडियो आप टैग कर सकते हैं ट्विटर पे। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है हमारा Day 1 जयपुर में। जयपुर में हम रुके हुए हैं हॉस्टल जयपुर में। एक बेसिकली एक प्राइवेट कोठी है, जैसे अमीरों की होती है, तो इन्होंने हॉस्टल में कन्वर्ट किया हुआ। काफ़ी अच्छा स्पेस है, ये आप देख सकते हैं। इसका छोटा सा ब्यूटीफुल गार्डन है, रूफ टॉप पर भी एक छोटा सा प्लेस है। जब सबसे बेस्ट चीज़ होती है, आपको फेलो ट्रैवलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भाई हमारे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छी उनकी स्टोरी है। ये वो भाई हैं जिनसे मैं कल शाम से बात कर रहा हूँ, कल रात को पहुँचने के बाद। जैसे कि आप जयपुर में पहुँचते हैं तो आपको जो मिल जाते हैं आर्टिफैक्ट्स, हॉस्टल में आपको दिखा देता हूँ। आपका गुड नेम क्या है? सैम। सैम यहाँ पर केयर टेकर है, एक तरीके से आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। ये हॉस्टल का इंटीरियर है मेन, जैसे आप एंट्री लेते हैं। आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ, अभी सब सो रहे हैं थोड़ा सा आराम से। ये आपका रूम है जो कि 330 रुपीज़ में मिल जाता है, और सैम के हॉस्टल के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऊपर चलते हैं, मैं आपको रूफ टॉप भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो कुल मिला के एक अमेजिंग जगह है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 330 रुपीज़ में बोर्ड है, और पूरे ही आपके जो आपका ये जयपुर है, यहाँ पर आपको हॉस्टल सस्ते मिल जाएंगे, 200 रुपये में भी मिल जाएगा। अभी ऑफ सीज़न है, शायद इसलिए सस्ता मिल रहा है। तो जब आप आएँ तो चेक कर लें, या तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर लें, या booking.com या हॉस्टल वर्ल्ड किसी से भी कर लें। ये सब जगह लिस्टेड है TripAdvisor पे। ये आपका सामने से रूफ टॉप पे छोटा सा, एक तरीके से आपके लिए स्पेस है, आप रात को बात करना चाहते हैं, स्मोक करना चाहते हैं, कुछ ऐसा ये सामने से दिखता है। आज हम क्या करने वाले हैं, Day 1 है, तो अभी 9 बज गए हैं सुबह के। कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर सरकारी, वो ओपन होते हैं 9 बजे के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं, पहली जगह कौन सी जा रहे हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जयपुर की एक आम गली में से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है जयपुर की गलियों का नज़ारा। तो एक चाय ले लें। कौन कौन सी चाय है? मसाला चाय। और ये कुल्हड़ वाली कितने की है? 10 का। ये 10 का? अच्छा, तो एक कुल्हड़ चाय दे दो बस। तो अभी चाय पी रहे हैं, और फिर सामने आगे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ से प्याज कचौड़ी वगैरह खाएंगे। ये कालिदास मार्ग है, ये सीधा रास्ता जा रहा है हॉस्टल की तरफ। बाय वॉक आप जा सकते हैं 600 मीटर्स की तरफ। पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद हम चलेंगे आज की पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि अभी भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि पहले होगी पेट पूजा और उसके बाद होगा कोई काम दूजा। चाय सही है, टेस्टी है, 10 रुपये में कुल्हड़ में मिल रही है, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह प्याज कचौड़ी खाते हैं स्पेशल, 16 रुपये की 2 मिली है। इस जगह है जहाँ से हम चल रहे हैं, और 15 रुपये में हम यहाँ से पहुँचेंगे बड़ी चौपड़, और बड़ी चौपड़ के बाद हमें जाना है नारगढ़ फोर्ट। ये आप देखें कि अभी भी ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाहर है, और ये यहाँ पे इसको हजामत बोलते हैं उर्दू में। ये यहाँ पे मेन शहर के बिल्कुल चौक पे ये सर्विस हो रही है। ये इंडिया में दिख सकते हैं नज़ारे, आपको शायद ही किसी और कंट्री में दिख।
ये पहुंच गया जी बड़ी चौपड़, कुछ इस तरीके से दिखता है। और जैसा कि यहाँ बताया जाता है पिंक सिटी, पिंक सिटी क्यों कहा जाता है जयपुर को वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कहीं शांत जगह पहुंच के अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है जयपुर का बड़ी चौपड़, जहाँ से आपको नारगढ़ फोर्ट के लिए मिलेगी बस। अब हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं कि नारगढ़ फोर्ट के लिए कौन सी बस मिलेगी, कितने पैसे लेगी, कैसे जाएंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको।